आज हम एशिया के सबसे रहस्यमयी और भुताई जगह की बात करेंगे जो राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, मैं भानगढ़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूर्यास्त के पश्चात आने से मना किया है। कई न्यूज़ चैनल ने तथा विशेषज्ञों ने भानगढ़ के रहस्य का पता लगाना चाहा, परंतु ये रहस्य अभी भी रहस्य ही है। भानगढ़ का इतिहास भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है ये किला भगवान दास ने अपने पुत्र माधव दास के लिए बनवाया था। माधव दास की एक बहुत सुंदर पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। वही किले के पास एक सिंधिया नामक तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ जौहरी बाजार में इत्र लेने गई थी। वह बात जब तांत्रिक को पता लगी तो तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र में काला जादू कर दिया, परंतु किसी नगरवासी ने यह देख लिया और यह बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी ने वह इत्र फेंक दिया और इत्र से भरी कांच की बोतल एक पत्थर पर जा गिरी। जिस पत्थर पर वह इत्र की बोतल गिरी थी, वह पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगा और तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया। परंतु मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ बसने वाला हर एक प्राणी सुखी नहीं होगा और वो मारा जाएगा, और धीरे धीरे भानगढ़ शापित हो गया। जब से भानगढ़ एक शापित किला बन गया और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया।